एक सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि सरकार तो जेडीयू की है ना, मुखिया तो जेडीयू के हैं, मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, और जहां तक सवाल है गंगोता का, तो गंगोता परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर रहा है। बीमा भारती इसलिए जीतती रही है क्योंकि वो जेडीयू के साथ रही है, जेडीयू से उम्मीदवार रही है। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपसे पूछ रहा हूं, अब सवाल ये उठता है कि हाल के लोकसभा चुनाव में बीमा भारती तो रुपौली से पिछड़ गई थी, तो क्या विधानसभा में रुपौली की जनता डिफरेंटली बिहेव करेगी? वो क्या कलाधर मंडल को नहीं चुनेगी? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्याशी जेडीयू का जीत रहा था, और जब बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में आ गई, तो आप देखें लोकसभा चुनाव में बीमा भारती वहां के विधानसभा चुनाव में हारी है, वहां हार गई और 20,000 से हारी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीमा भारती क्या आपको मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि जाति कलाधर मंडल हो या बीमा भारती हो, दोनों की एक ही है। देखिए, कलाधर मंडल और बीमा भारती की जाति जरूर एक है, लेकिन वहां एक फैक्टर है अवधेश मंडल। क्योंकि गंगोता समुदाय जो है वो अवधेश मंडल में वो अपना नायकत्व देखता है, उनको लगता है कि अवधेश मंडल हमारे लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे, और होता है। अब आप मोकामा में देख लीजिए, अनंत सिंह किस तरह से अपना व्यक्तिगत प्रभाव से चुनाव जीत जाते हैं, पार्टी जो हो, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, कोई पार्टी से भी लड़ते हैं, लेकिन परिणाम उनके हिस्से में आता है। तो अवधेश मंडल वहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गंगोता समुदाय अवधेश मंडल पर ज्यादा भरोसा करती है। कलाधर मंडल तो सज्जन आदमी है, साफ सुथरे छवि के आदमी है, वो अवधेश मंडल का जो चरित्र है उससे कलाधर मंडल का चरित्र कोई मिलता ही जुलता नहीं। लेकिन जो वहां का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, उस सोशल कॉम्बिनेशन में अगर मुस्लिम समाज इनके साथ, निषाद समाज इनके साथ, और गंगोता समुदाय इनके साथ बहुत अधिक मात्रा, ऐसा नहीं है कि कलाधर मंडल कोई वोट ही नहीं लेंगे, मंडल समाज का वोट कलाधर मंडल को मिलेगा, लेकिन अधिक वोट मिलेगा अवधेश मंडल की वजह से बीमा भारती। यादव समाज जो माई समीकरण है, उस माई समीकरण के तहत स्वाभाविक है कि वो अब आरजेडी की उम्मीदवार हो गई है, तो आरजेडी का वोट इनको, जो उसका जो सोशल कॉम्बिनेशन है उसका लाभ इनको मिलेगा। तो बीमा भारती अवधेश मंडल की वजह से पार्टी जो हो हमेशा अपर हैंड में दिखती है। रह गई बात कि शंकर सिंह कितना वोट ला पाते, क्योंकि वहां पर जो कुशवाहा और कुर्मी का जो वोट है वह भी अच्छी खासी संख्या है वोट का, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या जेडीयू का जो वोट है, या जो जेडीयू कहती है कि अति पिछड़ा पूरी तरह से हमारे साथ इंटैक्ट है, क्या रुपौली में अति पिछड़ा का समीकरण बिल्कुल बाइफर्केट कर जाएगा और सीधे सीधे वो आरजेडी के साथ या बीमा भारती के साथ चला जाएगा? वहां पर बीमा भारती कोई फैक्टर ही नहीं है, वहां पर फैक्टर है अवधेश मंडल, जिनकी लड़ाई हमेशा वहां के जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके साथ सीधे सीधे चलते रहती है, और उसमें वो उनको एक नायक के रूप में देखता है कि ये तो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर कुर्मी कुशवाहा कुछ मंडल का वोट मिल भी जाता है कलाधर मंडल को, फिर भी जो मुस्लिम समाज का वोट है जो बटते हुए दिख रहा है शंकर सिंह में और बीमा भारती में, यादव समाज का वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है, मैक्सिमम गंगोता और निषाद समाज का वोट बीमा भारती को मिलते हुए दिख रहा है, तो जो मैं वहां का जातीय समीकरण देख रहा हूं उसमें बीमा भारती मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि उस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आप बार बार कर रहे हैं कि लेसी सिंह, जिनको बजाबते टास्क दे दिया गया है कि आपको किसी भी तरह से रुपौली की सीट निकालनी, वो कोशिश भी कर रही है इनके लिए, वो गंगोता समुदाय में भी कई लोगों को कही है कि भाई आप ही के समाज का व्यक्ति तो जीत रहा है कलाधर मंडल, क्यों आप अवधेश मंडल और बीमा भारती के पीछे लगे हुए हैं? लेकिन गंगोता समुदाय अभी तक टूटा नहीं है, और पप्पू यादव ने भी जब ये तस्वीर देखी कि बीमा भारती लोकसभा में 20,000 से पिछड़ने के बाद भी विधानसभा के चुनाव में फिर एक बार जो गणित है वो गणित मैथमेटिक्स इनके बीमा भारती के पक्ष में जा रहा है, तब वो बीमा भारती से मिल रहे हैं ताकि जो गंगोता समुदाय है या जो अति पिछड़ा समाज है वो इनसे नाराज ना हो जाए कि भाई आपने तो भाई इलेक्शन में विरोध कर दिया था। तो पप्पू यादव तो अपना डबल दाव खेल रहे हैं,
इधर से बुलावा आ जाए, कांग्रेस में थोड़ी जगह मिल जाए, बीमा भारती चुनाव जीत जाए तो चलिए कहेंगे कि हमको थे ही इनके साथ, अगर हार जाती है तो कहेंगे कि किसी ने कोई हमको बताया ही नहीं, टास्क ही नहीं दिया, कहा ही नहीं, तो अब हार गई तो मैं क्या करूं। तो पप्पू यादव डबल गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समीकरण में बीमा भारती थोड़ा अपर एज लेते हुए दिख रही है।